पता है कॉम्पैक्ट डिस्क सबसे छोटी, फिर आपकी डीवीडी, फिर आपकी है ब्लूरे डिस्क बीआरडी, और फिर है आपकी एचवीडी। आपका यह क्रम रहेगा, इसे आप आरोही अवरोही कैसे भी यह पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अभी हम सब समता के आधार पर पूछा है, तो यह सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। आगे हम देखें कि इनमें से इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए प्रयोग तय है। अगला विकल्प है हमारा, प्रश्न है कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दे रखी है, उनमें से आउटपुट और इनपुट दोनों ही के लिए कौन से प्रयुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फैक्स मशीन, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर रहा है। दूसरा है मॉडम, मॉडेम, मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर, यह भी दोनों का कार्य कर रहा है। बात करें हम, अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंटर, तो प्रिंटर आउटपुट है न कि इनपुट है, यह हम आउटपुट दे सकता है। आगे हम देखें ए और बी दोनों, तो हमारा सही विकल्प रहेगा डी, फैक्स मशीन और मॉडेम, यह दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। आगे हमारा प्रश्न है 81 कि निम्न में से किस पॉइंटिंग डिवाइस की कार्यशैली मैकेनिकल माउस के पूर्णतः विपरीत होती है, तो उसका क्या सही आंसर रहेगा। ट्रैक बॉल, बहुत इजी सा प्रश्न है, क्योंकि जॉयस्टिक जो है वह आपकी गेम खेलने की डिवाइस है तेजी से, और टच पैड स्क्रीन है, और लाइट पेन एक केवल पॉइंटिंग ही है डिवाइस है। तो हमारा यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है और उत्तर आता है ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है हमारा 82 कि रिजोल्यूशन शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। रिजोल्यूशन आपका डिस्प्ले से संबंधित है, डिस्प्ले डिवाइस है, सही आंसर रहेगा ये डिस्प्ले डिवाइस। अगला आपका प्रश्न है 83 कि विंडो एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है। तो आपके सामने चार विकल्प है कि फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, विकल्प ए। आगे हमें प्रश्न देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन कौन सा होता है। ऑप्शन है यूजर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे हमारा प्रश्न है कि जो हार्ड डिस्क है, कंप्लीट हार्ड डिस्क का कितना परसेंट भाग रिसाइकल बिन में। कितना प्रतिशत भाग रिसाइकल बिन में स्टोर किया जा सके। जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वह हमारे रिसाइकल बिन में जाती है। अस्थायी फाइल जो हमारी डिलीट होती है उसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क का यह मात्र 10% आपका रिसाइकल बिन फोल्डर में सेव रख सकती है। तो इसका तात्पर्य कि हार्ड डिस्क का कितना प्रतिशत है, हमारा 10%। आगे हम देखें, हमारा प्रश्न आता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के कूट का सही आंसर दीजिए। चार हमारे सामने विकल्प है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पहला है रेफरल सेवा, एक पाठक दूसरे पाठक के लिए उसकी सहायता के लिए उसको निर्देशित करता है, अर्थात निर्देशन करता है कि यह जो हमारा संदर्भ है उसे आप उनको पढ़ने के लिए आगे दे दीजिए, यानी कि रेफर कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पे रेफरल से तात्पर्य निर्देशन है। HDI जो सेवा है उसके हम प्रत्येक पाठक की एक प्रोफाइल तैयार करते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं कि यह जो उनके प्रश्न है उसमें यह संदर्भ स्रोत उनके लिए सहायक होगा और उनकी जिज्ञासा शांत होगी। तो हमारा SDI पूर्वानुमानित है। विस्तार की बात करें तो यह रीचिंग आउट
से संबंधित है और रिप्रोग्राफी हेल्प यानी कि दूसरे की सहायता, रिप्रोग्राफ। तो हमारा यहाँ विकल्प हो गया 3, 4, 2, 1, मिलान कर लीजिएगा। आगामी प्रश्न है हमारा 87 की स्थापना के वर्ष के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पुस्तकालय दे रखे हैं 4, यहाँ पर भी पहले जैसा प्रश्न आया था। पहला विकल्प है हमारा एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे। इसकी स्थापना आपकी 1804 में। दूसरा विकल्प है हमारे सामने कैनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कैनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना है 1890। अगला विकल्प है हमारा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, तो 1948। और अगला है ऑप्शन है हमारा कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है 1951। तो हमारा सही विकल्प रह जाएगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये चारों ही क्रम से हैं। अगला प्रश्न हम देखें कि सूचना साक्षरता निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जा सकती। सूचना साक्षरता में हम कौन सी पद्धति को नहीं अपनाते, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, पाठ्यचर्या के साथ समेकित, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, स्टैंड अलोन कोर्स और इंटर्नशिप। सूचना साक्षरता में कभी भी इंटर्नशिप नहीं करवाई जाती, इसका कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जाती इंटर्नशिप की। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कि कौन सी पद्धति नहीं है। तो हमारे यहाँ पे पूछा गया है यही क्वेश्चन कि कौन सी पद्धति सूचना साक्षरता में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह इंटर्नशिप। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाशन के प्रथम वर्ष को पब्लिकेशंस दे रखे हैं, उनके प्रथम वर्ष को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखें कौन कौन से हैं। पहला है आपका BNB 1950, दूसरा आपका दिया है रॉगेट थिसर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड 1805 में आपका, और अगला विकल्प दिया है INB 1957, और चौथा विकल्प है आपके कॉम्पैंड एक्स 1953। तो हमारा पूछा गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के अनुसार विकल्प नंबर 3, 4, 1 और 2, और यही अगर आरोही क्रम पूछा जाता आपसे तो आपका सही रहता 2, 1, 4, 3। देख लीजिए दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आरोही और अवरोही। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है 2। आगे हम देखें कॉम्पैंड डैस आपका है 1884, सॉरी यह है आपका 1884। तो यहाँ पे आपका विकल्प चेंज हो जाएंगे,
यह रहेगा आपका पहला बीएनबी 1950 चार और फिर आपका दो, तो 2 4 1 3 सही कर लीजिएगा। कॉम्पैंड एक्स आया आपका 1884 में, आईएनबी 1957 में, रॉकेट आपका है 1805 में और आपका बीएनबी है 1950 में। अगला प्रश्न है आपका, चार विकल्प दे रखे हैं, उनमें से असत्य कौन सा है? देखिए पहला दे रखा है सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावर 1945, इसके स्थान पर 1945 में यह ना होकर के 1935 इसका आंसर है 1935। आगे देखें कि इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता 1901, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1876 और लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। आगे देखें हम 91 में कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित है 91। ऑप्शन देखें कि पहला है पॉल आउटलेट, पॉल आउटलेट यूडीसी, दूसरा विकल्प दिया है आपका यूनेस्को, FRBR, तीसरा विकल्प दिया है जी भट्टाचार्य, पोप्सी और चौथा विकल्प दिया है अप्लाई यूडीटी। हमारा पॉल आउटलेट यूडीसी हमें पता है 1905 में। अगर हम बात करें FRBR की तो यह आपका विकल्प यहाँ पे यह यूनेस्को ना होकर के किसके द्वारा रहेगा, इफ्ला के द्वारा। FRBR जो आपका मॉडल है वह इफ्ला का प्रोग्राम है और यह कब विकसित हुआ, 1998 केजी शोर के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिए कि FRBR जो मॉडल है वह इफ्लाक के द्वारा 1998 में केजी शोर ने इसे डेवलप किया था। पोप्सी आपकी जी भट्टाचार्य, इफ्लाक का यह प्रोग्राम है यूडीटी काफी बार पूछा गया है और पॉल आउटलेट यूडीसी का 1905। आगे हम बढ़े 92 में, सीसी में हाइफन इम्पोजिशन योजक चिन्ह का प्रयोग किस विधि में किया गया है, तो हमारा विकल्प हम देखें कि कालक्रम विधि, विषय विधि, अध्यारोपण विधि या भौगोलिक विधि। तो क्या सही आंसर रहेगा, हाइफन का प्रयोग, अध्यारोपण विधि, वेरी गुड, सही आंसर रहेगा आपका अध्यारोपण विधि। अगला प्रश्न है कि शोध गंगोत्री किससे संबंधित है? पहला विकल्प दे रखा है ई बुक्स, जनरल डेटाबेस, इंडियन थीसिस या इन पर और शोध प्रबंध। शोध गंगोत्री से तात्पर्य है हमारे यहाँ पे या रिजोर्ट जो आपकी रिपोजिटरी है वह इन पर और शोध प्रबंध से संबंधित है। डी विकल्प आपका सही रहेगा। आगे आपका क्वेश्चन है 94 जो प्रश्न है आपका वह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और एक शब्द आता है ISBN और ISSN। यह आपका नेस्केयर के द्वारा 8 अंक का सीरियल नंबर है जारी किया जाता है और यह बुक नंबर
आरआरएलएफ द्वारा 13 नंबर का, जबकि 2007 से पहले यह 10 अंक का अंक जारी होता था। यह बुक नंबर है या सीरियल नंबर है, हमें यह पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ें कि पोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रश्न आता है हमारा सामने कि पोलेगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉक्टर रंगानाथन महोदय का है, कौन से प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आपका पहला जो है वह 1937 में, दूसरा 1957 में और तीसरा 67। तीन इसके एडिशन है, पहला संस्करण और दूसरा संस्करण यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा और यह आपका शेयरलेस द्वारा, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट उनके द्वारा। आगे हम बढ़े हैं कि डीडीसी के किस संस्करण में दशा संबंध का प्रयोग शुरू किया गया, डीडीसी के किस संस्करण में दशा संबंध का प्रयोग शुरू किया गया, 10वां, 12वां, 14 या 13। तो हमारा सही विकल्प रहेगा विकल्प के अनुसार 14वें संस्करण से कि डीडीसी का दशा संबंध प्रयोग शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि इंसडॉक क्या है। अधिकतर पूछा जाता है कि डेलनेट क्या है, इंसडॉक क्या है, डेसीडॉक क्या है, सैंडॉक क्या है। तो इस तरह से हमें सभी का अलग से हमें पता होना चाहिए कौन सा नेटवर्क है, कौन सा प्रोग्राम है या कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो हमारे सामने विकल्प है कार्यक्रम है, इंसडॉक का पूछा है कि कार्यक्रम है, पुस्तकालय है, प्रलेख केंद्र है या विश्वविद्यालय है। तो हमारा इंसडॉक या प्रलेखन का केंद्र है। आगे हमारा प्रश्न है पीपीबीएस की फुल फॉर्म पूछी है, बजटिंग बजट से संबंधित है यह कि पीपीबीएस ऑप्शन दे रखे हैं प्रोग्रामिंग प्लानिंग बिफोर सिलेक्शन, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। हमारा सही आंसर रहेगा पीपीबीएस का प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, बी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 99 कि 12,000 किताबें हैं, 12,000 किताबों का आपको एक्सेशन करने के लिए डॉक्टर रंगानाथन महोदय के स्टाफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने सदस्यों की आवश्यकता रहेगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी एक साल। डॉक्टर रंगानाथन महोदय ने स्टाफ फॉर्मूला दिया है एक्सेशन का a/6000। तो हमारे सामने यहाँ पे एक वर्ष में जितनी किताबें एक्सेशन की गई है, 12,000 किताबें में भाग दे डिवाइड किया 6,000 से, दो व्यक्ति। हमारे 12,000 किताबें एक्सेशन करने के लिए पुस्तकालय में एक साल भर में दो व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी। आगे हम देखें लास्ट, आज के लिए लास्ट प्रश्न है SLSS का प्रथम प्रकाशन, प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, तो हमारा सही विकल्प रहेगा 1923। आगामी प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। आपको यह पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा, आपके कमेंट्स हमें सादर आमंत्रित है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, श्री समृद्धि क्लासेज के यह नवाचार आपको कैसा लग रहा है, वह हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपके जो भी डाउट्स है इस आज के 50 प्रश्न से संबंधित, तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे आगामी आने वाले 50 प्रश्न से पहले आपके जो कमेंट्स आए हैं उन पर हम चर्चा करके आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।